पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा विधायक जियाउर रहमान ने संघ प्रमुख के बयान को हाथी के दांत की तरह बताया है। उनका कहना है कि मोहन भागवत का मुस्लिमों के लिए दिया गया बयान ठीक उसी तरह से है जिस तरह हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाला है, इसलिए मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस यदि मुसलमानों की इतनी बड़ी हितेशी है तो क्यों मुसलमानों के साथ सड़कों पर मॉब लिंचिंग हो रही है? मुसलमानों को हक नहीं मिल पा रहा, जुलूस निकालने में पाबंदी लगाई जा रही है। भाजपा विंग है आरएसएस की। लोकसभा में भाजपा के सांसद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें गली कूचों में भी नहीं बोला जा सकता। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी पार्टियां हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और जो इन पांच स्टेट के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है तो उन चुनाव के अंदर जहां जहां भी वहां की पार्टियां गठबंधन के अंदर शामिल पार्टियां समाजवादी का जहां भी सहयोग मांगे समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग और समर्थन वहां पर रहेगा और जाकर के चुनाव लड़ाया जाएगा। संघ प्रमुख लखनऊ में है, चार दिन का प्रवास है, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे संघ को मुसलमान पराया ना समझे, और उन्होंने कहा मुसलमानों को जोड़ने की बात कही है। संघ प्रमुख ने आरएसएस ने अपनी तरफ हाथ बढ़ाया मुस्लिम की, क्या कहेंगे इस देश के वासी है, वो भी यही रहेंगे। मैं यही कहूंगा कि काश ऐसा ये सच में साबित होता। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के दूसरे होते हैं। इस चीज़ को मुसलमानों को गुमराह कर करके एक तरफ आप कह रहे हो कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और मुसलमान के लिए आरएसएस बीजेपी गैर नहीं है, तो हम पूछना चाहते हैं तो फिर उनके साथ में यह हक तलफी क्यों है? क्यों उनके साथ में बाहर सड़कों पर मुसलमान के नाम पर क्यों मॉब लिंचिंग की जाती है? क्यों मुसलमानों का जो हक है वो उनको क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों उनके जो त्यौहार होते हैं उनके त्यौहार पर क्यों उनका जुलूस वगैरह निकालने में क्यों परेशानी पाबंदी लगाई जाती है? मेरे यही विधानसभा कुंदर की जिला मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा के अंदर या संभल जिले के अंदर भी अभी जेहलम का जुलूस था, ये दिमलादुन्नबी का जुलूस है, जगह जगह परेशानी आ रही है। आप बात कर रहे हो आरएसएस के आप चीफ हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों आपकी सरकार, क्योंकि वो भी भारतीय जनता, आरएसएस एक विंग नहीं है बीजेपी की बल्कि बीजेपी एक विंग है आरएसएस की, तो क्यों आपकी एक विंग की जो सरकार है मुसलमानों पर क्यों उसको रोक रही है? क्यों आपके पार्टी के सांसद पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के साथ में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गली कूचों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्यों उनको जलील कर करके आप कह रहे हो कि आतंकवादी हैं, आप कह रहे हो देशद्रोही हैं? अरे आतंकवादी कौन होता है जो एक देश में जिसको इतनी बड़ी जनता चुन कर करके आप पार्लियामेंट के अंदर भेज रही, वो आतंकवादी हो सकता है क्या? आप उन सारे मतदाताओं के ऊपर और भारत के संविधान के ऊपर आप उंगली उठाई है आपने और उनका अपमान किया है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे भारतीय जनता पार्टी और एसएस के मेन मुख्य लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ जो भारतीय सांसद हैं जिन्होंने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेके कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड करना चाहिए पार्लियामेंट से भी और पार्टी से भी निष्कासित करना चाहिए। लेकिन बस वही है जो मैंने भी कहा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, ये लैंग्वेज थोड़ी और ज़रूर है और खाने के कुछ और होते हैं। तो ये भी इनका वही है कि चुनाव के समय में आप मुसलमानों को जो दिहाई दे रहे हो गुमराह करने की, उन्हें मिसगाइड करने की, और दूसरी तरफ मुसलमानों का हक है, मुसलमानों के साथ ज्यादती जो हो रही है वो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो कैसे आप बात करते हो? दो जगह से लेटर भी लिखा गया है ओम बिरला जी को, गोरखपुर से सांसद रविकिशन, उन्होंने लिखा है और सांसद लिखा है कि जो दानिश है पूर्ण दानिश, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द यूज किया, उसमें अग्रेसिव हो गए भाजपा के। मैं यही तो सोच रहा हूँ कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। मतलब आप जो है सही बात को सही कहने का हिम्मत नहीं रख पा रहे। आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अगर उन्होंने गलत काम की है तो आप गलत तो कहना दूर की बात है, आप उनका बचाव कर रहे हो। अरे आप कैसे आप सांसद हो आप जो है, हम पूछ रहे हैं कि क्यों आपने अभी तक उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उनका पक्ष कर रहे हो? अगर दानिश अली साहब ने ऐसा कुछ कहा है तो उसकी वीडियो दिखाइए, अगर प्रधानमंत्री जी के लिए कोई अपशब्द कहे तो वीडियो दिखाइए। तो अगर इसका मतलब आप क्या, कोई अगर गलत काम करेगा तो आप भी उसका जवाब वैसे दोगे? और नंबर एक, दानिश साहब ने कोई अल्फाज ऐसे नहीं कहे, और अरे ऐसे दानिश साहब मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे जरा कितने इस उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर दानिश साहब जैसे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों दानिश हैं जिनके साथ में आए दिन ज्यादती और हक तलफी और जुल्म हो रहे हैं इस देश के अंदर। अगर वीडियो कोई वीडियो प्लेटफॉर्म पर आ जाता है सब वाला, क्या कहेंगे आप? क्या मतलब सामने जाता है कोई
अभी जब है ही नहीं तो मैं उससे पहले कैसे कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस वजह से कह सकता हूँ, उन्होंने खुद भी अपनी जिम्मेदारी के साथ में इस अल्फाज को कहा है कि मैंने ऐसे कोई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा या उनको अपशब्द बोले हों। जब नहीं कहा और उनके पास में अगर हुआ होता तो आपको क्या लगता है पार्लियामेंट कौन चला रहा है? इस देश की संसद को चलाने वाली सरकार होती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ऐसी कोई वीडियो होती तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद की उनके उन्होंने जो अल्फाज बोले हैं उससे पहले दानिश साहब की वीडियो वायरल हो गई होती। मेरा लास्ट सवाल है, इंडिया गठबंधन ने कुछ मीडिया हाउसेस का बायकॉट किया हुआ है, टाइम्स नाउ ना भारत न्यूज़, टाइम्स नाउ ग्रुप इसमें से, क्या चुनाव चल पाएगा, क्या इंडिया गठबंधन लड़ पाएगा बिना मीडिया हाउसेस के? देखिए मैं यही कहूँगा, मैं अपने सारे जो एक फोर्थ पिलर कहा जाता है देश के अंदर मीडिया, लेकिन अफसोस है कि हमारी मीडिया के साथ, क्या मीडिया के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादती नहीं करी है क्या? क्या छापे नहीं पड़े थे? अभी जब आपने देखा होगा उस टाइम, चाहे वो देशी संस्थाएँ हों या विदेशी CNN वगैरह हों, छापे उनके यहाँ नहीं पड़े हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ, जब वही लोग सेफ नहीं है तो मैं अपने सब मीडिया के बंधुओं से मैं ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के नहीं, बल्कि मेरी दरख्वास्त है वो उनके ऊपर, इस देश की जिम्मेदारी है, चौथा पिलर कहा जाता है उनको, और उनके ऊपर इस देश की जनता बहुत भरोसा करती है, जब उन्हें अगर मीडिया से भी अगर उनकी उम्मीद ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वो किससे उम्मीद अपनी जोड़ेंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो इसलिए जहाँ हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उसके अलावा चौथा पिलर हमारा मीडिया का है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत करती है, चाहे आम जनता के खिलाफ हो, विपक्ष के खिलाफ हो, या देश के खिलाफ कोई काम कर रही है, तो मीडिया के लोगों को उसको ज़ोर शोर से उठाना चाहिए। अब मणिपुर का मसला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मणिपुर में क्या कितनी ज्यादती हो रही है? क्या वहाँ पर क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है? क्या वहाँ पर मुसलमान के साथ तो ज्यादती नहीं हो रही, लेकिन जब अगर आज क्या वो हमारे मुसलमान नहीं है, लेकिन हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे इस देश के रहने वाले नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्यों मीडिया के ऊपर अभी तक लगातार महीनों हो गए ज्यादती होते हुए, मीडिया पर क्यों नहीं चल रहा उस मसले को? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि मीडिया पर अभी तक ज्यादती वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है बवाल, और इस देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति शासन अगर कहीं दूसरी जगह होता तो अब तक का कब तक का राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता? आपने क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया? क्यों वहाँ मुख्यमंत्री को क्यों बर्खास्त नहीं करा? जो ज्यादती हो रही है इसमें उसको भी ज्यादती को आप लोगों को दिखाना चाहिए, सच्चाई को जनता तक रूबरू चुकाना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।